सच्चे अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या हुई है। प्रभारी निरीक्षक करेली ब्रजेश सिंह और उनकी पूरी टीम सोजी की टीम लग करके बहुत अच्छा सराहनीय कार्य की है कि टप्पेबाजी के अपराध में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यहीं के सुनार हैं और 6 अभियुक्त बेगूसराय और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनके काम करने का जो मॉडस ऑपरेंडी था उसमें ये था कि ये एक IMC कंपनी कुछ प्रोडक्ट लेकर के मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं और जब घरों में कुछ महिलाएं, बुजुर्ग या इस तरह के लोग मिल जाते जिनको ये इमोशनली ये ब्लैकमेल कर सके, उनको बातों में ला करके ज्वेलरी साफ़ करने के नाम पे टप्पेबाजी करके और वो लेके भाग जाते हैं। फिर ये इनका ये भी एक तरीका है कि बैंकों में जा करके लोगों से बातचीत करके उलझा करके उनसे पैसे दूना करने या बढ़ाने के नाम पे पैसा उनसे टप्पेबाजी करके छीन लेते हैं। कुछ घटनाओं में महिलाएं अगर बैंक में जाकर पर्स वर्स मिल ली तो उस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें जाकर रास्ते से उन्होंने पैसा ले लिया। कुल मिलाकर के लोगों से ये ब्लैकमेल करके बातचीत में उलझा करके और उनसे पैसे ले लेते हैं। जब ये इस तरह के कोई गोल्ड वगैरह है तो लोकल लेवल पर ही मार्केट में ये बेचते हैं और उस पैसे को फिर ये कुछ खातों में डालते हैं जो इनके बेगूसराय और समस्तीपुर में रहने वाले इनके लोग वहाँ से निकाल लेते हैं पैसों को। इन्होंने पूछताछ पर ये भी बताया कि ये कुछ दिन तक कहीं पर रुकते हैं और वहाँ पे लोकल मीडिया वगैरह के टच में देखते हैं और जैसे लगता है कि चर्चा में आ रहा है या उससे पुलिस एक्टिव हो रही है तो वहाँ से छोड़ देते हैं। इसके पहले इन्होंने गोंडा में बता रहे हैं, बहराइच में, उन्नाव में, शाहजहाँपुर जैसे जनपदों में भी ये क्राइम किए हैं और इनके हमने जो मोबाइल मिले हैं CDR पे और इनसे पूछताछ के आधार पर कुछ बड़ी लापरवाही जानकारी मिली है जो और गैंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की गिरफ्तारी से फर्क पड़ेगा इस क्राइम। इनके पास से सबसे बड़ी बात है कि ये खुद ही ज्वेलरी को गला भी लेते हैं, तो ज्वेलरी को गलाने का साफ करने के पूरे उपकरण मिले हैं। इनके पास आधार कार्ड मिले हैं जो कुछ फर्जी भी हैं उसमें। इनके पास से 22,000 से ऊपर की धनराशि मिली है, 40 ग्राम गोल्ड मिला है, 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं और कई मोबाइल फ़ोन मिले हैं जिनसे कई चीज़ें जानकारी भी मिली है। कई और इस तरीके के अपराध के बारे में जानकारी मिली है। हाँ, इनके अपराध की जो मोटस ऑपरेंडी थी बस बात यही है कि ज्वेलरी साफ़ करने के नाम पर, बैंकों में जा करके पैसा वहाँ पे लोगों को बदलने के नाम पे, दूना करने के नाम पे और फिर बातों में उलझा के किसी तरह रास्ते में ला करके उनसे पैसे ले लेना, इस तरह की इनकी जो है अपराध करने का तरीका रहा इनका। कितने समय से कर रहे हैं ये, क्योंकि लंबा इनका कार्यकाल है। अब हम डिटेल ले रहे हैं बेगूसराय से भी, समस्तीपुर से भी, जिन जनपदों में आया है इनका पूरा CDR से, सभी जगहों से कि कहाँ कहाँ इनकी क्राइम है।